कॉम्प्लेक्स नंबर और टाइप क्वेश्चंस लिखे थे लास्ट क्लास में, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। Z1 Z2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। Z1 Z2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं, जहां P Q कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ए बी से Z1 Z2 रिप्रेजेंट हो रहा है, एंगल AOB अल्फा है, OA बराबर OB है, डायग्राम बना सकते हैं और उससे हमें प्रूव करना है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4Q cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। जेई एडवांस कर लीजिए या पहले IIT जेई नाम था उसका प्रीवियस क्वेश्चन है, पहले पुराना, थोड़ा ज्यादा पुराना है हमारे जवाब में, क्या कह सकते हैं, हाँ प्रूव दैट जब आते थे, प्रूव दैट भी आते थे, कॉपी चेक होती है। लेकिन ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल टाइप भी अभी भी बन जाएगा बड़े आराम से, लिख देता एक पी स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स क्यू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, देन लैम्डा इज इक्वल टू 4 ऑप्शंस दे सकते हैं, इंटीजर टाइप बना सकते हैं। रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड है, जल्दी से बनाइए। देखते हैं इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम आते हैं। ओ क्या है, यहाँ ओरिजिन है, ओ ए बराबर ओ बी है, पॉइंट मान लेते हैं ए और बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, उनके बीच का ये जो एंगल है ए ओ बी ये अल्फा है, ए किससे रिप्रेजेंट हो रहा है जेड वन से और बी जेड टू से, ये ना ए जेड वन से और बी जेड टू से, ये ना। अब इससे हमें ये कैलकुलेट करना है, ये एंगल अल्फा दिया है, ओ बराबर ओ बी दिया, रोटेशन नहीं दिखाई दे रहा, जेड वन को रोटेट करें एंगल अल्फा से जेड टू मिल जाएगा, क्या लिख सकते हैं जेड टू बराबर जेड वन ई रेस्ट टू दावर आयोटा अल्फा, ये तो एक दिख रहा है, यही सब इंफॉर्मेशन तो है, देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन यूज हो गई, ये दोनों लाइन यूज हो गई। अब इसके रूट है ये, तो जेड वन प्लस जेड टू क्या लिखोगे, सम ऑफ रूट्स माइनस बी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यू, इसकी जरूरत हमें बाद में पड़ेगी, हमें जेड वन प्लस जेड टू बनाना है, इस तरह के टर्म चाहिए, जेड वन प्लस जेड टू, या तो जेड वन दोनों तरफ ऐड कर लीजिए जिससे पी आए, हमें पी के टर्म में चाहिए, तो जेड वन अगर मैं ऐड कर देता हूँ जेड वन प्लस जेड टू, यहाँ भी जेड वन ऐड करो, जेड वन कॉमन ले लो, वन प्लस ई पावर आयोटा अल्फा, ई पावर आयोटा अल्फा क्या होता है कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, जेड वन प्लस जेड टू कितना होगा माइनस पी, माइनस पी स्क्वायर करने की भी जरूरत पड़ेगी, वो अभी आगे देखते हैं। जेड वन हमें यहाँ अल्फा मिल चाहिए, आंसर अल्फा बाई टू में चाहिए, क्या करें, वन प्लस कॉस अल्फा का फॉर्मूला है अल्फा बाई टू में, टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, इसमें अल्फा बाई टू में कन्वर्ट करो, साइन अल्फा क्या फॉर्मूला है, टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, हो गया ना, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, टू कॉस अल्फा बाई टू कॉमन लो, तो टू जेड वन कॉस अल्फा बाई टू, ब्रैकेट में क्या बचा, कॉस अल्फा बाई टू प्लस आयोटा साइन अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा बाई टू कॉमन ले लो तो बचेगा कॉस अल्फा बाई टू प्लस आयोटा साइन अल्फा बाई टू, और कॉस अल्फा बाई टू प्लस आयोटा साइन अल्फा बाई टू क्या लिखोगे, ई रेज टू द पावर आयोटा अल्फा बाई टू, देख सकते हैं, देखो 2 cos अल्फा बाई 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 तो हमें चाहिए, लेकिन ये नहीं है, p स्क्वायर भी चाहिए, तो दोनों तरफ क्या करो स्क्वायर कर दो, बाकी टर्म को बाद में एडजस्ट करेंगे, स्क्वायर करेंगे कितना मिला बताओ, e स्क्वायर इधर 4 z1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 into e पावर आयोटा अल्फा बन जाएगा, हो जाएगा, p स्क्वायर तो चाहिए, 4 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 चाहिए, ये टर्म को हटाना है, e पावर आयोटा अल्फा वापस देखो कहां पे यूज किया,
पावर आर्ट अल्फा को क्या लिख सकते हो, जेड टू बाई जेड वन लिखो, और जेड वन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू इंटू जेड टू बाई जेड वन, एक जेड वन कैंसिल तो बचेगा था जेड वन इंटू जेड टू, जेड वन इंटू जेड टू क्या लिख सकते हो, क्यू ए बन गया फोर क्यू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू पी स्क्वायर बराबर। बताइए कोई डाउट है, नोट कर लीजिए। नोट कर लें फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लोकस इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये तो रोटेशन था आप कॉम्प्लेक्स नंबर, उस पर बेस्ड था ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जेई का क्वेश्चन था लेकिन इजी था, अगर आप ध्यान से थोड़ा बनाए और प्रैक्टिस करें तो बनने लायक था ये क्वेश्चन। लोकस एक पॉइंट मूव कर रहा है प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन वाला एक्स वाई प्लेन में, तो मूव करते हुए क्या का लोकस है हमारे पास जो स्टैंडर्ड है लोकस में, स्ट्रेट लाइन सर्कल पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला ये सब आते हैं जो क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में है वही लोकस। तो क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में हम सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्टेंस फार्मूला, तो वहीं से स्टार्ट करें। कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्टेंस फार्मूला क्या हो, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ते हैं फिर सेक्शन फार्मूला पढ़ते हैं, ठीक है, सेंट्रॉइड इन सेंटर इन सबके कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, तो वैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं इसको। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए जेड वन एंड बी जेड टू इज गिवन बाय, दो पॉइंट है, एक पॉइंट है जेड वन और दूसरा है जेड टू, कॉम्प्लेक्स प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक पॉइंट ए को हमने जेड वन से रिप्रेजेंट किया है और बी को जेड टू से, तो इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी ए बी दैट विल बी मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, क्या होगी मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन जेड टू, डिफरेंस लीजिए और उसका मॉड ले लीजिए, मॉड पता ही आपको रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसे होता है, तो रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, वैसे कैलकुलेट करेंगे। अब क्यों है ऐसा, रूट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, मान लीजिए दो पॉइंट है एक जेड वन है और दूसरा है जेड टू, ये भी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी, लेट जेड वन था एक्स प्लस एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन एंड जेड टू क्या था x2 प्लस आयोटा वाई टू, ये पॉइंट हो गया x1 y1 एंड ये है x2 y2, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है इसके लिए, z1 माइनस z2 लिखोगे तो क्या आएगा रियल पार्ट सबट्रैक्ट, तो x1 माइनस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 माइनस y2 आएगा सर, दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, इसका मॉड क्या होगा रूट ओवर x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square, और यही तो होता है distance formula, therefore that is equal to a, बताओ, तो वही हमने direct use किया, तो complex number में अगर use करना है तो आप directly ऐसे लिख सकते हैं mod z1 minus z, बाद में value निकालते समय तो हमें उसी पर जाना पड़ेगा बाद में, लेकिन कहीं mod z1 minus z2 लिखा है तो उसका मतलब क्लियर होना चाहिए कि दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय जेड वन एंड जेड टू।
सेकेंड सेक्शन फाउंड, सेक्शन फाउंड, सेक्शन फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखो, आगे ट्वेल्थ में वेक्टर टॉपिक पढ़ोगे, सब में सिमिलर सिमेट्री वैसे ही लिखा होगा। इफ अ पॉइंट पी जेड डिवाइड्स द लाइन ज्वाइन, लाइन ज्वाइन ए जेड वन एंड बी जेड टू इन द रेशियो एम इज टू एन, देन जेड विल बी इक्वल। क्या कर रहे हैं, एक कोई पॉइंट पी है जो जेड से रिप्रेजेंट हो रहा है, पी ए बी को एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड कर, ए और बी को ज्वाइन करने वाले पर पी इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एम इज टू एन, ये जेड है, ये जेड वन है, जेड टू है, माइनस हो जाता है कब, जब ये डिविजन कहा हो, एक्सटर्नल हो, इधर कहीं पॉइंट भी हो, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हूं, प्लस होता है फॉर इंटरनल डिविजन, इंटरनल डिविजन, एंड माइनस और एक्सटर्नल होगा, ऐसा पढ़े थे ना स्टेट लाइन, और अब तो रिवाइज भी कर रहे हो गए कि नहीं, कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए बता रहे हैं, कैसे सही है, बढ़िया, अच्छी बात है, रिवाइज करते रहिए। मुझे आप लोगों से काफी उम्मीदें हैं कि आप लोग टेस्ट में 100% परफॉर्म करेंगे, संडे को, ऐसा नहीं कि हाँ उम्मीदें टूटनी नहीं चाहिए मुझे। मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग जेड वन एंड जेड टू, टाइमिंग्स क्या है, 11 to 1, सिर्फ ऑफलाइन ही लेना, फरीदाबाद से जो बाहर बच्चे हैं उन्हीं को भेजा जाएगा ऑनलाइन, कुछ बाहर के बच्चे हैं वो कहाँ से आएंगे देने, ठीक है, मान लो कोई उड़ीसा से कर रहा है तो एक बच्ची है कीर्ति, मुझे नहीं पता किस जन्म पे है, याद नहीं है, पहले बाहर की, सेक्शन फॉर्म, ठीक है, नेक्स्ट वन सेंटर्स के बारे में भी बता देते हैं आपको, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल वैसे ही लिखा है जैसे क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में लिखते हैं, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, एक तो लिखा था पहले क्वेश्चन आया था तो उसमें जरूरत पड़ गई थी सेंट्रोइड, वर्टाइसेस, एक ट्रायंगल में वर्टाइसेस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन जेड टू जेड थ्री से रिप्रेजेंट हो रहे हैं ये वर्टाइसेस, तो सेंट्रोइड क्या होगा, डेफिनेशन पहले बोलो, डेफिनेशन इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, डेफिनेशन चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो वेक्टर हो टू डी हो सब डेफिनेशन तो सेम ही रहेगी, तो सेंट्रोइड यहां होता है जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री बाई थ्री, कैलकुलेट भी वैसे ही कर सकते हो, देखो पहले मिड पॉइंट निकाल लिया जेड टू प्लस जेड थ्री बाई, फिर सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में ऐड करेगा, सेक्शन फॉर्मूले का वही आएगा, समझ रहे हो, वैसे ही लिख सकते हैं। सेकंड इन सेंटर, इन सेंटर डेफिनेशन
याद करो, याद आ जाएगा कुछ। ध्यान से, थोड़ा ध्यान से याद करिए। इन सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल, सही है, वेरी गुड आ रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड बोला था आपने, अल्टीट्यूड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बहुत डिफरेंट है सर, एंगल बाइसेक्टर्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो है इन सेंटर। तो इन सेंटर जेड वन जेड टू जेड थ्री हो क्या होता है, इन सेंटर लिखना हो इन सेंटर का कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सेंटर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस कॉम्प्लेक्स नंबर ए जेड वन प्लस बी जेड टू प्लस सी जेड थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही बाकी लिख सकते हो, सेम लिखने हैं वाले। बाकी भी पता करने क्या आपको क्या होते थे या बोल दे बस। देखो एक्स सेंटर्स अगर निकालोगे ए के अपोजिट लिखोगे तो हाँ ए की जगह माइनस हो जाएगा, बी के अपोजिट बी की जगह माइनस भी हो जाएगा, सी के अपोजिट जगह माइनस सी हो जाएगा, तीन एक्स सेंटर्स होंगे। ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स, उनके फॉर्मुले हम जनरली नहीं याद करते हैं, फिर भी फॉर्मुला लिखा था उसमें बताया था आपको जेड वन टैन ए प्लस जेड टू टैन बी प्लस जेड थ्री टैन सी अपॉन टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी। सर्कम सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, वो क्या था एक्स वन साइन टू ए, यहाँ जेड वन साइन टू ए प्लस जेड टू साइन टू ए प्लस जेड थ्री साइन टू सी अपॉन साइन टू ए प्लस साइन टू ए प्लस साइन टू सी। लिखना चाहें तो सभी लिख सकते हैं, लेकिन मेन फॉर्मुले पर यह है डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, वही सेम यूज करना है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले पर। तो नेक्स्ट पर चलते हैं लोकस में। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितना टाइम तो नहीं लगाएंगे हम इस पे और उतनी जरूरत भी नहीं है, देखना है कि किस तरह से लोकस है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लोकस जो ज्यादा आता है वो होता है सर्कल, स्ट्रेट लाइन भी है, स्ट्रेट लाइन सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला सबकी बात कर लेंगे हम यहाँ थोड़ी थोड़ी, तो लेकिन फर्स्ट बात करते हैं सर्कल। जब लोकस क्या हो, सर्कल, सर्कल में भी कई डिफरेंट फॉर्मेट है, जैसे वहां पे हम भी हमने पढ़े थे डिफरेंट फॉर्मेट सर्कल टॉपिक में, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल था, ठीक है, सेंटर दिया हो रेडियस दिया हो तो सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ा था ना सब। तो ऐसे ही यहाँ कई फॉर्मेट है, स्ट्रेट लाइन में कई फॉर्मेट थे, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, याद है कुछ कुछ, ठीक है, याद आ रहा हो बोलने में। तो ऐसे ही सर्कल में भी यहाँ कई फॉर्मेट है जिसमें हम फर्स्ट फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट जेड नॉट एंड रेडियस, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी लोकस की बात करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए फिर लिख लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी लोकस की बात करेंगे तो लोकस में वेरिएबल हमेशा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल पॉइंट मतलब जो मूव कर रहा है जिसका लोकस बात कर रहे हैं, जो पॉइंट मूविंग है उसको किससे लिखते हैं, जेड से, ठीक है। जेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किससे लिखते थे, एच कॉमा के बाद में किससे रिप्लेस करते हैं, फाइनल आंसर किसमें होता था, एक्स वाई में, यहाँ फाइनल किसमें, जेड में, डायरेक्ट जेड ही ले लेते हैं, ठीक है। तो जो मूविंग पॉइंट होता है हमेशा जनरली उसको किस में लेते हैं, जेड में। अगर क्वेश्चन में जेड कांस्टेंट दे दिया फिर आप कुछ चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो हमेशा जेड ही लिया जाता है मूविंग पॉइंट,
इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट जेड नॉट, सेंटर जेड नॉट है मतलब ये पॉइंट फिक्स है, सेंटर जेड नॉट ये पॉइंट पी मूविंग है, इस तरह से मूव करता है कि इसकी हमेशा सेंटर से डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, रेडियस के बराबर होनी चाहिए, तो वो सर्कल में मूव करेगा। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या हुई, इक्वेशन ऑफ सर्कल, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या बोलते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है टू पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो तो वो क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन है जेड टू है तो उनका बीच का डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा, मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, हाँ एक जेड वन जेड है और दूसरा जेड नॉट है, तो मॉडुलस जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, इफ जेड इज मूविंग, यहाँ जेड मूविंग है, जेड नॉट फिक्स है, आर फिक्स है, तो ये जो इक्वेशन है किसको रिप्रेजेंट करें, सर्कल को जिसका सेंटर जेड नॉट है और रेडियस आर है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका सेंटर जेड नॉट है रेडियस आर, इंपॉर्टेंट है, एक जेड माइनस जेड नॉट ग्रेटर देन आर आ जाए तो क्या कहोगे, पॉइंट आउटसाइड सर्कल आ जाएगा, देखो अगर यहाँ पॉइंट जेड है जिसकी इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस इस सर्कल की रेडियस से ज्यादा है तो पॉइंट कहाँ होगा, सर्कल के बाहर होगा, इस सर्कल के बाहर होगा, ग्रेटर देन आर जितने भी पॉइंट है इस सर्कल के बाहर उन सबकी डिस्टेंस आर से ज्यादा होगी, हो गया, तो इसका लोकस क्या होगा, जेड का लोकस एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल, आउटसाइड पार्ट ऑफ सर्कल, इसमें बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, यहां इक्वल टू लगा दोगे तो सर्कल की बाउंड्री भी इंक्लूड हो जाए, मॉडुलस जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन आर, ए अगर लेस देन आर हो तो इनसाइड सर्कल, देन जेड क्या है इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल, इसको रिप्रेजेंट करें, जेड यहां में इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल, इंटीरियर ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करें, ओके, तो जेड इंटीरियर पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, यहां जेड नॉट सेंटर, कोई प्रॉब्लम, जेड नॉट की जगह ओरिजिन हो जाए तो एक मॉडुलस जेड इज इक्वल टू आर, देन जेड नॉट की जगह ओरिजिन हो गया तो एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे, सेंटर जेड नॉट था ना, दिस विल रिप्रेजेंट अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस आर, देन लोकस ऑफ जेड इस सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस is equal to 1. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे लिखें 1 less than modulus z minus 3 less than r equal to 5, तो z का लोकस बताओ, tau 1 less than modulus z minus 3 less than r equal to 5, इसको देख के बताइए, बना लीजिए डायग्राम अपने में, बोलिएगा मत, एक मिनट लीजिए, संतरे जब मैं पूछूंगा तो बताइए,
ओके ओके बना लिया होगा नहीं ऐसा नहीं है। हाँ आगे बच्चों किसी का सोम सर वो रेंज में आएगा। यस सर देखो मॉड जेड माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू अगर मॉड जेड माइनस थ्री वन होता तो क्या बनता एक सर्कल जिसका सेंटर थ्री होता मतलब थ्री होता मतलब थ्री जीरो होता और जिसकी रेडियस वन होती अगर इक्वल टू वन मैं लिखता मॉडुलस जेड माइनस थ्री इज इक्वल टू वन तो ये ऐसा सर्कल होता जिसका सेंटर थ्री जीरो और रेडियस वन होती ग्रेटर देन होता इसके बाहर का पार्ट। अच्छा मॉडुलस जेड माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव होता तो एक सर्कल बनता जिसका सेंटर क्या होता थ्री जीरो और रेडियस फाइव होती रेडियस फाइव होती मॉडुलस जेड माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव को। तो ये दो सर्कल्स हैं देखिए एक सेंटर थ्री जीरो जिसकी रेडियस वन है और एक की रेडियस फाइव है वन से ग्रेटर लेकिन फाइव से लेस तो वन से ग्रेटर मतलब इस सर्कल के बाहर और फाइव से लेस मीन्स ये बड़े वाले सर्कल के अंदर इन दोनों के बीच वाला पार्ट यही तो लोकस हो गया ये जो शेडेड पार्ट है दैट इज लोकस इंक्लूडिंग आउटर बाउंड्री क्योंकि यहां इक्वल टू है एक्सक्लूडिंग इनर बाउंड्री नहीं ले सकते बताओ क्या दिक्कत है ऐसे बना देना है डायग्राम कि ये होगा लोकस। अब आपसे कहा दे फाइंड द एरिया ऑफ इस लोकस एरिया ऑफ लोकस ट्रेस्ड बाय जेड निकालोगे आराम से बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले माइनस कर देंगे कितना आ गया 16 पाई आ गया। वाह ऐसे माइनस कर रहे हो भाई पहले माइनस करके फिर स्क्वायर कर रहा पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर कितना हुआ 24 पाई फाइव स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर कुछ नहीं ए, लोकस बताना था तो डायग्रामेटिकली हम बता देंगे बस डायग्रामेटिकली बता देंगे कि दिस शेडेड पार्ट इज द लोकस ठीक है लिखना चाहते हैं तो लिख ले लोकस विल बी ठीक है लोकस विल बी शेडेड पार्ट जो कि इन द डायग्राम अदरवाइज ऐसे लिख सकते हैं locus will be the region between two concentric circles region will be ठीक है locus will be region between two concentric circles having center at 3 0 and radii 1 and 5 respectively including outer boundary and excluding inner boundary जो बोला है उसी को लिख देना ठीक है अपनी लैंग्वेज में आप लिख देंगे उसको ये आंसर हो गया। बताइए कोई तकलीफ है किसी को कोई डाउट है तो ये फर्स्ट फॉर्मेट हमने पढ़ा था सर्कल की क्वेश्चन का कौन सा ये एक एग्जांपल हो गया एग्जांपल नहीं कर रहे सेकंड फॉर्मेट पर इक्वेशन आप सर क्वेश्चंस और बाद में करेंगे लोकस कंप्लीट करने के बाद मॉडुलस जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर ये पढ़ा हमने ये हो तो क्या होता है एक सर्कल जिसका सेंटर जेड नॉट होगा और रेडियस आर होगी एक सर्कल जिसका सेंटर जेड नॉट होगा और रेडियस आर होगी इसी से दूसरा फॉर्मेट आएगा सर्कल का मॉडुलस जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू अगर मैं लिखूं आर ई पावर आर का थीटा इसका मॉडुलस तो फिक्स है देखो इस सर्कल में जेड जेड नॉट जब आप ले रहे हो मॉडुलस फिक्स है लेकिन जो आर्गुमेंट है वो चेंज हो रहा है जैसे पॉइंट चेंज कर रहे हैं अगर ऐसे लिखा जाए जहां कहा जाए कि आर फिक्स है थीटा वेरिएबल है जेड नॉट भी फिक्स है
जेड वेरिएबल है तो जेड का लोकस क्या होगा, सेम सर्कल विद सेंटर एट जेड नॉट एंड रेडियस आर। मान लीजिए इक्वेशन ऐसे में लिख करके ऐसे लिख, तब भी उसका ये मतलब है कि दिस विल बी लोकस ऑफ जेड इज अ सर्कल विथ सेंटर एट जेड नॉट एंड रेडियस आर। सेकेंड वन, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? इसी से थर्ड फॉर्मेट भी आएगा, लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाला, मतलब जिस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं या आए हैं, जेई मेंस एडवांस दोनों में ही या क्वेश्चंस डीपीपी में जहां भी मिलेंगे, तो इस पर फर्स्ट वाले फॉर्मेट पे सबसे ज्यादा। कहीं कहीं अगर एक आध रियर फॉर्मेट में ये मिल जाए तो आप उस पर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट फॉर्मेट भी अच्छे से समझ लेते हैं, उनको कर लेते हैं, तो आपके 95% से ज्यादा क्वेश्चंस में काम हो जाएगा, ठीक है। और जेई में 95% क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो फरीदाबाद का नाम पूरे इंडिया में आ जाएगा आपके साथ। देखते हैं इसको, मॉडुलस जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। तो सर्कल है सेंटर जेड नॉट है रेडियस आर, इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर कर दो दोनों, तो मॉडुलस जेड माइनस जेड नॉट स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसी से और फॉर्मेट आपको बता रहे हैं कि कैसे आए वो फॉर्मेट, डायरेक्ट फॉर्मेट नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट ये लिख दिया, वो दिखा रहे हैं कि कैसे आ रहे हैं स्टेप बाय, और फिर लास्ट में बताएंगे कि हाँ ये फॉर्मेट इस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मॉड जेड स्क्वायर क्या होता है, जेड इनटू जेड बार, तो उससे इसको क्या लिख सकते हो, जेड माइनस जेड नॉट इनटू जेड बार माइनस जेड नॉट बार बराबर आर स्क्वायर, लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई की क्या आ गया, जेड इंटू जेड बार माइनस जेड नॉट इंटू जेड बार प्लस माइनस जेड नॉट बार इंटू जेड प्लस जेड नॉट बार बराबर आर स्क्वायर। जेड जेड बार माइनस जेड बार माइनस जेड नॉट बार जेड, ये क्या हो गया, मॉडुलस जेड नॉट स्क्वायर। इसको मैं मॉडुलस जेड नॉट स्क्वायर लिख रहा हूं क्योंकि जेड नॉट फिक्स पॉइंट, जेड नॉट यहां क्या था, फिक्स था, सेंटर था, उसकी वैल्यू तो फिक्स आएगी, तो वेरिएबल है, माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर भी फिक्स है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, इसको कोई रियल नंबर एज्यूम कर सकते हैं, रियल नंबर लैम्डा है या कुछ और ले लो, डी ले लेते हैं यहाँ पर, डी है, और इसको एक दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्लेस करते हैं, लेट ओमेगा इज इक्वल टू माइनस जेड नॉट, ओमेगा बराबर क्या है, इसको ऐसे लिखते हैं जेड प्लस जेड बार प्लस यहां लिखोगे ओमेगा जेड बार, अच्छा ये अगर ओमेगा है तो इसका कॉन्जुगेट लो, दोनों तरफ कितना आएगा, ओमेगा बार बराबर माइनस जेड बार आएगा, तो प्लस ओमेगा बार जेड प्लस डी बराबर जीरो। ये भी सर्कल की इक्वेशन, इस इक्वेशन को कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, लगाएंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स, ये है जनरल इक्वेशन सर्कल की कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म। इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर था क्या, जेड नॉट था, तो जेड नॉट यहां नहीं है, इससे बताना है जेड नॉट किसके बराबर है, माइनस ओमेगा, तो यह सेंटर है माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा मींस माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ जेड बार, ये होता है सेंटर। यस, इस पे अगर क्वेश्चन दिए हुए हों
तो आप वैसे भी कर सकते हो, जेड को लिख दो एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे जब जेड एक्स प्लस आयोटा वाई रखोगे सिंप्लीफाई होकर के वैसे ही फॉर्मेट बन जाएगा, टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई, डी की जगह सी था वहां, टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो वहां पे सेंटर क्या था, माइनस जी माइनस माइनस टाइम्स कोफिशियंट ऑफ एक्स बाई टू वहां था, माइनस टाइम्स कोफिशियंट ऑफ वाई बाई टू था, तो उसी तरह से है माइनस टाइम्स कोफिशियंट ऑफ जेड बार। रेडियस, रेडियस इसमें क्या है, आर है, लेकिन आर देखो हमने यहां डी लिख दिया, तो आर किसके प्लेस, मॉडुलस जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर डी, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, मॉडुलस जेड नॉट स्क्वायर माइनस डी। जेड नॉट को क्या लिखोगे, जेड नॉट की जगह लिखोगे माइनस ओमेगा, तो मॉडुलस आप माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस डी, मॉडुलस माइनस ओमेगा लिखो या ओमेगा लिखो दोनों सेम होते हैं, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ओवर मॉड ओमेगा स्क्वायर माइनस डी। जैसे वहां पे क्या आता था, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, उसी तरह का फॉर्मेट है। अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, पढ़ा तो इतना लेकिन क्वेश्चन कभी नहीं आया है जेई में, आए तो आप के पास एक मेथड थे, जेड को एक्स प्लस आई बटा वाई रख दो, भूल गया तो इसको नहीं याद हो तो अच्छी बात है। चलो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। आप सर जेड जेड बार प्लस वन माइनस टू आयोटा इंटू जेड बार प्लस वन प्लस टू आयोटा जेड प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। सेंटर और रेडियस इस सर्कल की कैलकुलेट करनी, करेंगे कैलकुलेट माइनस वन कॉमा टू सेंटर, माइनस वन कॉमा टू, तो देखो इससे बस बनाना है, ये फॉर्मूला रखना है, यस सर माइनस वन कॉमा आ जाएगा, ठीक नोट कर लीजिए और फॉर्मूला रख दीजिए, आ जाएगा सेंटर माइनस वन कॉमा टू रेडियस। सेंटर क्या है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ जेड बार, जेड बार का कोफिशिएंट कितना है, वन माइनस टू आयोटा, तो माइनस टाइम्स वन माइनस टू आयोटा, दैट इज माइनस वन प्लस टू आयोटा, तो क्या हो गया पॉइंट, माइनस वन कॉमा टू, ठीक है पॉइंट, ये है सेंटर। रेडियस, रेडियस क्या होगा, रूट ऑफ मॉडुलस ओमेगा स्क्वायर माइनस डी, मतलब मॉडुलस वन माइनस टू आयोटा का स्क्वायर, माइनस डी मतलब माइनस टू, इसका मॉडुलस कितना होगा बताओ, रूट ओवर वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, रूट फिर से का स्क्वायर तो फाइव हो गया, तो वन रूट फाइव माइनस थ्री टू, सॉरी कितना आ गया, रूट थ्री, तो रेडियस है रूट थ्री और सेंटर है माइनस वन कॉमा टू, देख लें चेक कर ले कोई प्रॉब्लम है तो भाई, ये इसका सेंटर और रेडियस। नेक्स्ट फॉर्मेट पढ़ते हैं सर्कल का, थ्री फॉर्मेट हम लोग पढ़ चुके, कितने फॉर्मेट पढ़े हो, तीन, ठीक है फोर्थ देखते हैं। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, एक पॉइंट पी सच दैट रेशियो ऑफ its distances from two fixed points, from two fixed points, let us assume A and B, is always constant, is always constant. एक point P इस तरह से move करता है कि उसकी दो fixed points से जो distances हैं A और B से, उनका ratio हमेशा constant होता है, and not equal to one, and not equal to unity, one के बराबर नहीं, मतलब PA PB के बराबर नहीं, रेशियो हमेशा कांस्टेंट है, PA by PB बराबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 by 2 हो सकता है, 1 by 5 हो सकता है, कांस्टेंट है, दो पॉइंट से डिस्टेंसेस का रेशियो हमेशा
कांस्टेंट है, तो पी का लोकस क्या होगा बताइए? कोई बताएगा? एक पॉइंट पी इस तरह से मूव करता है कि इसकी दो फिक्स्ड पॉइंट से ए जेड वन और बी जेड टू से डिस्टेंसेस का रेशियो, ये फिक्स पॉइंट है, हमेशा कांस्टेंट, मतलब पी ए बाई पी बी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, नॉट इक्वल टू वन, वन के बराबर नहीं, तो क्या होगा? पी का लोकस, पी का लोकस की बात कर रहे हैं, पी का लोकस क्या होगा? आर्यन बोल रहा है एलिप्स, क्या होना होगा? सर्कल पड़ रहे हैं, सर्कल होगा, देखें देन लोकस ऑफ पी, अभी तो सर्कल के फॉर्म में पड़ रहा है ना, लोकस ऑफ पी विल बी सर, फोर्थ फॉर्मेट सर्कल का ये है, पी का लोकस एक सर्कल हो, कोई भी वैल्यू लो, पी मान लो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दे, देन लोकस ऑफ पी इज सर्कल, अब ग्रुप भी कर देते, मान लो ये पॉइंट है एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू और ये एक्स वाई, कोऑर्डिनेट में या कॉम्प्लेक्स में एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन, एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू, एक्स प्लस आयोटा वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके क्या लिखेंगे? पी ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर पी बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगे पी ए स्क्वायर कितना होगा? एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर बराबर के स्क्वायर पी बी स्क्वायर कितना होगा? एक्स माइनस एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखिए यहां से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां से कितना आएगा? वन माइनस के स्क्वायर, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन माइनस के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बराबर है और एक्स इंटू वाई, एक्स वाई का कोई टर्म नहीं आ रहा है, तो मतलब इसकी क्वेश्चन सर्कल की क्वेश्चन, ये सर्कल पर हो जाएगा, ठीक है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक बार आपका है जेई में, बहुत पहले बार आया था, लेकिन लेकिन इसका जो नोट में हम पॉइंट लिखने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा पॉइंट? जो इसका स्पेशल केस है, स्पेशल केस मतलब जब के वन हो जाएगा तो क्या हो? के वन हो गया तो लोकस क्या होगा? कोइंसाइड कर जाएगा। के वन हो गया तो लोकस, देखो यहाँ के अगर मैं वन रख देता हूँ, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या मिला? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, देन लोकस ऑफ पी विल बी स्ट्रेट लाइन, दैट इज पी ए बराबर अगर पी बी है, ये वाली पी बी बराबर वन मतलब पी ए इक्वल टू पी बी, देन लोकस ऑफ पी इज ए स्ट्रेट लाइन, और कौन सी स्ट्रेट लाइन वो भी बता सकते हैं आप, दैट इज परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए बी, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ ए बी, देखो ए और बी को ज्वाइन करो, ए बी बना, इसके परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पे जो होगा एक पॉइंट, यहां पे कहीं भी पॉइंट होगी ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी, क्यों? एक पॉइंट ये ए है, ये भी ए मिड पॉइंट से जा रहा है, परपेंडिकुलर है, मान लीजिए अगर ये भी है तो क्या आएगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं भी पॉइंट लो हमेशा बराबर आएगा, इधर ले लिया तो बराबर नहीं आएगा क्योंकि डिस्टेंस अलग आ जाएगी, ये अलग हो जाएगी, समझ रहे हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर पॉइंट होगा उस लाइन ज्वाइन में तो पी ए पी बी के बराबर होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्पेशल केस में स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, कोई भी डाउट हो इस पॉइंट में तो बताएं। फोर्थ हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, किसी को भी कोई डाउट है? और भी फॉर्मेट है
सर्कल के 5, 6, 7, 8 हैं। इलिप्स हाइपरबोला पैराबोला में ज्यादा नहीं है, एक फॉर्मेट ही केवल। स्ट्रेट लाइन में कुछ फॉर्मेट जरूर है। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं लोकस के और थ्योरी पॉइंट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, थ्योरी पॉइंट को, और फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है।